नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार और क्राइसिस से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी हां, भारत का जो न्यूजीलैंड दौरा है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और ये एक तरह से देखा जाए टीम इंडिया के लिए आखिरी शहर है इस दौरे का है। और यहां पर एक तरह से देखा जाए टीम इंडिया ने जो शुरुआत इतने धुआंधार अंदाज में की थी, एक के बाद एक करके लगातार 5 T20 मैच जीते और ऐसे लगा कि भाई वनडे सीरीज में भी ये टीम क्लीन स्वीप करेगी और टेस्ट सीरीज तो सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन ऐसी बाजी पलटे कि भाई वनडे सीरीज के तीनों मैच गंवाए इस टीम इंडिया ने और टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी बेहद बुरी हुई। 11 साल बाद सपना था कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतेंगे, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया वेस्ट इंडीज में जब आप चौथे दिन ही टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। और अब क्राइसिस में टीम इंडिया पहुंची। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं टीम इंडिया के होटल के नजदीक खड़ा हूं और पूरी टीम इस वक्त सो चुकी है। आज का दिन जो था वो ट्रैवलिंग डे था, यानी टीम ने सिर्फ एक घंटे से कुछ ज़्यादा समय तक की एक फ़्लाइट ली। टीम आई वेलिंगटन से, अपने होटल में उन्होंने चेक इन किया, सारे खिलाड़ी अपने होटल के रूम में चले गए और एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन क्रिकेट से पूरी तरह से दूर रहे। कल तड़के सुबह 10 बजे यहाँ का जो स्थानीय समय है 10 बजे पूरी भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए आएगी। हेगली ओवल में क्राइसिस का जो मैदान है वहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और उसके बारे में आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट हम देते ही रहेंगे। लेकिन आपको बता दूँ, अगर आप इस शहर की बात करें, क्राइसिस का जो शहर है यूँ तो मशहूर है रिचर्ड हेडली के लिए, यहाँ के महानतम खिलाड़ी रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक समय में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे जिनके रिकॉर्ड को कपिल देव ने तोड़ा था। लेकिन इस मैदान इस शहर से मैदान तो छोड़ दीजिए, मैदान में तो हेगली ओवल में टीम इंडिया ने 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं और वहाँ पर कभी उनको जीत नहीं मिली है। और इससे पहले जो दूसरा मैदान था AMI स्टेडियम, वहाँ पर भी टीम इंडिया को कभी भी जीत नहीं मिली है। यानी ये शहर जो है टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी यादें नहीं देता है और मतलब कोहली और उनके साथियों को इतिहास रचना होगा, बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ पर से टेस्ट जीते और सीरीज़ की बराबरी करे, वरना देखे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा टीम इंडिया की बेइज्जती होगी। लेकिन एक चीज़ जो हैरान करने वाली है, जो मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड की मीडिया में और यहाँ के अखबारों में जब चर्चा शुरू होनी हुई, ऑस्ट्रेलिया स्टाइल जो आमतौर पर न्यूजीलैंड जिसके लिए जाना नहीं जाता, बड़े बोल करने लगे हैं। नील वैगनर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, विराट कोहली नाकाम क्या हुए हैं दौरे पर, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें पता है विराट कोहली को कैसे चुप रखना है और मुझे लगता है न्यूजीलैंड की ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये थोड़ी सी उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोहली बुझे रहे हैं, लेकिन जो आखिरी चीज़ कोहली चाहते हैं वो चाहते हैं उनको कोई झकझोरे, कोई उनको ताने मारे। न्यूजीलैंड ये चीज़ कर रहा है, न्यूजीलैंड की मीडिया कर रही है, नील वैगनर ने किया, और अगर ये चीज़ कोहली को, अगर उनके ईगो को ठेस पहुंचती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कोहली एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे और अगर वो बड़ी पारी खेलते हैं तो वो मैच जिताएंगे। यानी जो टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी कमी रही है दौरे पर एक भयंकर मैच विनर की, वो वापस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को सतर्क रहना होगा, उन्हें ये ऑस्ट्रेलिया वाली शैली नहीं अपनाने की ज़रूरत है, कोहली को आप प्रोवोक ना करें। टीम इंडिया के लिहाज से देखा जाए यहाँ पर भी चयन को लेकर कई दुविधा होगी, क्या ऐसी कयास लग रही हैं टीम मैनेजमेंट से, जो खबरें आ रही हैं इस बात की चर्चा चली कि क्या आर अश्विन को इस मैच के लिए बैठा दिया जाए और रविंद्र जडेजा को लिया जाए। अश्विन की गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, 3 विकेट लिए तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर पिछले 2 साल में अगर देखा जाए आर अश्विन एक बल्लेबाज के तौर पर निचले क्रम में बहुत कम सहयोग दे रहे हैं। उनका टेस्ट औसत करीब 35 का है, लेकिन पिछले 2 साल में वो 17 की औसत से रन बना रहे हैं, जो एक तरह से देखा जाए आधे बल्लेबाज हो गए हैं। लेकिन उनकी तुलना का आप रविंद्र जडेजा से करते हैं, इसी दौर में रविंद्र जडेजा पिछले 2 साल में उनका एवरेज लगभग 50 का हो गया है, तो रविंद्र जडेजा आपको ज़्यादा विकल्प देते हैं। तो एक कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि कल नेट जो सेशन होगा उसके दौरान अंदाज़ा लगेगा और जाहिर सी बात है ऋषभ पंत और शाह को लेकर चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया कंटिन्यू करेगी। तो कुल मिलाकर क्राइस्टचर्च में, और जो मौसम यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देख रहे तेज़ हवा चल रही है, तो हवा वैसी ही है, स्विंग गेंदबाजों को मदद करेगी, स्ट्रांग विंड नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ का जो विकेट है, जो स्थानीय लोगों से मैंने बात की अभी तक, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार पिच होगी, यानी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए चुनौती यहाँ पर भी आसान नहीं होने वाली है। तो फिलहाल मुझे देर रात्रि हो चुकी है, इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ अब सोने के लिए और कल आप लोगों से मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबर के लिए। लेकिन आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार देखते रहिए स्पोर्ट्स तक को, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपको देखा होगा आपको हम एक से एक यहाँ पर ज़बरदस्त फीचर स्टोरी दिखा रहे हैं, इंटरव्यू दिखाएंगे, ताज़ा तरीन खबरें दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।